मैं संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिस महापुरुष की बदौलत आपके यहाँ तो 14% मिला, बेईमानी हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में 27% है। हमारी पिछड़ी जाति चाहे अहिर हो, लोधी हो, निषाद हो, कश्यप हो, कहार हो, विश्वकर्मा प्रजापति हो, उनको 27% नौकरियों में प्रतिनिधित्व पाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिलाने वाले यादव बिरादरी में पैदा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, और हम लोगों को उत्तर प्रदेश में सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाने का हक दिलाने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटा अखिलेश यादव जी ने तमाम हमारे गरीब गुरबा समाज के बेटे और बेटियां जो कभी कंप्यूटर को देखे नहीं थे, उन बच्चों को इंटर पास होने पर उन्होंने जो है कि लैपटॉप देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया, इंटर पास बेटियों को 30,000 रुपया देकर के आगे की पढ़ाई जारी करने का अधिकार दिया, और फ्री में पढ़ाई के लिए मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, ये समाजवादी पार्टी की योजना थी। आप विश्वास दीजिए बेटियां मेरी, मैं समाजवादी पार्टी में तब नहीं था, हमारे घर में 2 लैपटॉप आज भी टका टक चल रहा है, और हमारी 3 बेटियां उसी लैपटॉप से पढ़ करके बीएड कर ली। एक लड़की अभी हमारी बिहार में नौकरी भी पा गई है, 2 लड़कियां बीएड की थी, अगर बीटीसी नहीं होती तो 3 लड़कियों को एक ही दिन नौकरी मिल जाती। लेकिन अगले महीना में अखिलेश यादव ने जो योजना समाज के लिए, गरीब गुरबा पिछड़े वंचित समाज के लिए चलाए, आज उसका देन है कि हमारे 38,000 बेटे और बेटियां हमारे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ दे नहीं रही है, वो केवल घंटा बजवा रही है, मंदिर बजवा रही है, केवल धर्म की घुट्टी पिला करके हमको आपको गुमराह कर रही है, यादव के खिलाफ दूसरी जातियों को भड़काने का केवल काम कर रही है। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, और देश का सबसे अगर योग्य कोई मुख्यमंत्री हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी हुए। आज यहाँ हमारी आपकी परीक्षा है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आपको जागने की जरूरत है, और हम लोगों ने कुछ लोगों से यह तहकीकात किया कि हमारे लोग अपने वोट की ताकत को इस गांव के यादवों का काम नहीं पहचान पाते। बाप एक तरफ चला जाता है तो बेटा दूसरी तरफ चला जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ले लो, जिसका जो दे रहा है ले लो, लेकिन देना कहाँ है, जब बटन दबाने जाना है तो साइकिल वाली बटन दबाना है। सुभाष यादव जी इतने बड़े हमारी बिरादरी के नेता थे, हम लोगों के समाज के नेता थे, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी वाले बेईमानों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बजाय स्टिपनी मंत्री बना करके, उप मुख्यमंत्री बना करके, जिनको कोई अधिकार नहीं होता है, आज उनका बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या नाम है अजय यादव? अरुण यादव। अरुण यादव सबसे बड़े जो है मुख्यमंत्री पद के यहाँ दावेदार, लेकिन वह रिफ्यूजी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2003 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी, एक बरस डेढ़ बरस निकाल दीजिए, उमा भारती बनी हो, चाहे बाबूलाल गौर, हम ही लोगों के बिरादरी के थे, हमारे गांव के थे, बगल के पड़ोसी, वो बने, मामा आई जो हुए कंस मामा, ये मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन यहाँ नौकरियों का घोटाला, पटवारी की देखे है ना भर्ती हुई 15 लाख रुपया, इस गांव के कितने लोग 15 लाख रुपया दे देंगे, दे पाएंगे? जितनी भर्तियां हुई यहाँ पर सब ने पैसा 10 लाख 20 लाख 15 लाख 25 लाख, व्यापम का जबरदस्त घोटाला हुआ। लेकिन आज जरूरत है कि आपको हमको अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, आज यह अखिलेश जी के सम्मान का भी सवाल है, या यदुकुल के सम्मान का सवाल है, यहाँ पर हमको एकजुट होकर के, और यादव भाइयों का विशेष फर्ज बनता है कि चाहे बगल में आपके लोधी हो, चाहे कश्यप हो, सोंधिया हो, मल्ला हो, केवट हो, चाहे प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, साहू गुप्ता हो, सारे लोगों को आप लोगों को समझा कर बुझा करके, क्योंकि बड़े भाई आप लोगों को, अब आप लोगों को साइकिल वाली बटन 17 तारीख को दबाने के लिए सबके मन और विचार को बदलने की जरूरत है। नहीं तो ये जानते आबादी हम लोगों की 50.09% आबादी है मध्य प्रदेश में, आदरणीय अध्यक्ष जी, एसटी की आबादी 22% है, जनजाति जिसको कहते हैं, अनुसूचित जाति की आबादी 16.5% है, 7.5% मुसलमान है जो हमारे हैं, और इनकी आबादी कितनी है बाबू ब्राह्मण ठाकुर की 5.88% आबादी है, और आपको फुटबॉल की बाल की तरह बनाए रहते हैं, कभी आप भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, तो ये तीसरी लाइन हम लोग खींचने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेसियों ने इतनी बेईमानी किया कि जब तक इनका हवा जब बन जाता है ना, कहा जाता है एक जाति होती है हमारे यहाँ ब्राह्मण, कहते हैं जब गरीब हो जाते हैं तो वह सुदामा बन जाते हैं, लो जी है जजमान हमारा उतना ख्याल रखिए, और जब मजबूत हो जाते हैं तो लेके फरसा परशुराम का जो है आपका गला काटने के लिए आगे आ जाते हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी उसी तरह का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं है, एक पीछे से वार करता है वह कांग्रेस है, और एक सामने से वार करता है वह भारतीय जनता पार्टी है। तो आप इन दोनों
दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। और लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मन से संभव हो सकेगा तो हाथ मिलाया जाएगा। कहा जाता है यही ना कि बड़े दुश्मन से हमारा खाती छोटे दुश्मन से हाथ मिलाना होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आएंगे कि बढ़िया से चौपाल यहाँ लगे और बढ़िया सा और समाज की जानकारी आपको हम दें, अध्यक्ष जी हमारे दें। तो आप सबको जो है एकजुट होकर के जोड़ना है, जगाना है। कोई खरीदने का हमको प्रयास करे तो उन बेईमानों से ले लेना है, लेकिन वोट हमको अपने घर साइकिल में देना है। सुनिए सबकी, करिए अपन। और देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में तो यादव बिरादरी की लाठी डंडा लेकर जब जरूरत होता है अपने छोटे भाइयों के संरक्षण के लिए चल पड़ता है। हम लोगों को कष्ट होता है कि यहाँ भी बहुत बड़ी आबादी आपकी है। आज ये हमारा भाई, हम 5 साल से, हम पहले जानते थे कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला, झांसी जी ललितपुर का कहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक जिम्मेदारी दिया आप लोगों को जोड़ने जगाने के लिए। यदुवेंद्र यादव हैं हमारे छोटे भाई है कि यहाँ का जिलाध्यक्ष बनाए हैं। कहा जाता है ना कि जिस नेता के पीछे पीछे उसकी जाति की भीड़ होती है वह नेता मजबूत होता है, और जिस समाज का नेता मजबूत होता है आपकी लड़ाई आसान हो जाती है, होती है कि नहीं। तो आपको नेता किसी को बनाना होगा ना। गांव का मुखिया आपने बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे, चाहे जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, तभी तो आपको राशन कार्ड का मामला हो, गली गुच्चे का मामला हो, पानी की व्यवस्था करना हो, ये व्यवस्था कौन करता है? जब आपका रहेगा तभी ना, जब आपका नहीं रहेगा तो दूसरा क्या करेगा? वोट लेके आएगा आपकी बस्ती में, फिर झाकर नहीं आएगा, गिर बनेगा कि गोबर मांग रहा है, गोबर मांग रहा है। तो अपने बीच के किसी व्यक्ति को, अपने बराबरी के जिसके साथ आप एक साथ खाट पर चौकी पर बैठ सके, पहले उनको जो है मजबूत करके आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको धक्का दे करके आगे करने की जरूरत है। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। अधिकार छीनने के लिए आपको राजनीति में अपनी पहचान बनानी होगी, अपने विधायक सांसद पार्षद आदि जो है उनको बनाना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज मजबूत होगी। और नहीं तो वही नालायक की तरह हम लोग दरकिनार किए जाते रहेंगे, लोग अपमानित करते रहेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए, समय भी हो गया है, दूसरे दिन किसी दिन आप लोग, हम लोग प्रोग्राम तय करेंगे। यहाँ का मैं प्रभारी बना करके भेजा गया हूँ, और पूरा चुनाव हम रहेंगे। और जहाँ जहाँ आप लोग गांव में लेके चलिए, यादव के गांव में ले चलिए, लोधी के गांव में ले चलिए, कश्यप निषाद के गांव में ले चलिए, प्रजापति विश्वकर्मा साहू गुप्ता के गांव में ले चलिए, ताकि करके उसे बीच में जो है कि हम लोग उनको समझाएं। और यही नहीं, केवल वोट मांगने हम नहीं आए हैं, हम अपने लोगों को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैसे हमारे लोग हर क्षेत्र में विकास करें, ताकि अपने लोगों को उससे भी एक पंथ दो काज हो जाए, ओटोवो मांग ले और अपने समाज के सुधारे खातिर, जागरूक करे खातिर के भी हम लोग काम कर ले। तो मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो आप लोग क्षमा करेंगे।